छोड़ दे और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम शाम के 6 बजे से, और वो भी गाड़ी से स्टार्टिंग कर रहे हैं विद लियो और अमित जी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ निकल पड़े हैं शाम के टाइम में। आज हम जा रहे हैं अमित जी के ससुराल, और ये इन्हीं का आइडिया था। इन्होंने ही बोला था कि मेरा मेरे ससुराल जाने का मन कर रहा है, मेरी सासू माँ के हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। तो फिर जब मेरा मन करता है तो ये मुझे लेके जाते हैं, तो मैंने भी बोला चलो यार मैं भी चल लेती हूँ, फिर तो चल ही लेते हैं। तो बस अभी निकल लिए। वैसे वो आपका मायका भी है। अरे वो फीलिंग जो ससुराल वर्ड में जो फीलिंग है वो एक अलग ही है, तो वो मैं तो हमेशा लेती हूँ, तो मुझे लगा आज ये भी ले लेंगे। तू कहाँ जा रहा मोहित? तू किसके मायके ससुराल जा रहा है? इसके मायके जा रहा हूँ, आपके ससुराल जा रहा हूँ। कोई ठोर ठिकाना नहीं अभी। मेरा ब्याह होगा ना तब मेरा ठोर ठिकाना हो जाएगा, फिर मैं उड़ जाऊंगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगा। तो जी बस अब ये निकल गए हैं। जय बजरंगबली, नजफगढ़ वाला मंदिर। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग जब लास्ट टाइम गए तब भी हमने यहाँ इस वाली शॉप से अचार लिया था, आम का। इतना टेस्टी अचार था ना, मजा आ गया था। अभी अंधेरा होने ही वाला है, लाइटें जलने स्टार्ट हो चुकी हैं। और लियो ना सच में बिल्कुल तंग नहीं कर रहा आज। बड़ा हो गया ना ये, थोड़ी ना तंग करेगा भाई, क्यों मिच्ची? बिल्कुल बिल्कुल राइट। और ये इनको जानते हो कल वाले लूजर है नजफगढ़ मंडी का ट्रैफिक, इधर की साइड मंडी और ये ट्रैफिक। हेलो हेलो हाँ जी, ये देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है। अरे उसने वो माँ उठाया होगा ना कॉल। और ये देखो लियो को आज इसके लिए छोटी हड्डी लेके आए, जो ये जब बिल्कुल छोटा सा था तब लेके आया करते हम, इतनी छोटी हड्डी वही लेके आए दोबारा से इसके लिए। और ये देखो आराम से खाने लग रहा है। क्या चाहिए आपको लियो, क्यों आए हो आगे, आपको क्या चाहिए? हाँ ये जैसे मोहित इधर उधर जाता है ये हमारे पास आ जाता है। वो फ्रूट लेने गया नीचे उतर के, ये बाबू जी आगे आ गया। क्या पीछे जाओ अपनी हड्डी खाओ, हड्डी खाओ। पापा ही चुम्मी ले रहे देखो। और अमित जी क्या खाने वाले हो आज आप? हैं क्या खाने वाले हो? ये समोसे खाएंगे चटनी वाले। आज हम पकोड़े खाएंगे बादरकट वाले, कितने दिनों बाद, माय गॉड इतने मजे आएंगे। वो लास्ट कब खाए थे? पच्छे, बहुत टाइम हो गया जब खाए थे। दिन होगी ज्यादा। देखो भाई हम जब भी खाते हैं ना तो ये लास्ट में है, ये भैया कोने वाले इनसे हम लोग खाते हैं। इनका बोर्ड क्या है, ये सैनी दे मसूर पकोड़े यहाँ के खाते, एक नंबर टेस्टी होते हैं। अभी ना दिन में तो गर्मी लगती है, बट रात में इतनी गर्मी अभी हुई नहीं है, थोड़ा मौसम ठीक रहता है। तो अभी भैया को बोला है, ये अभी फ्राइड कर रहे हैं उनको, चाय बोल दी और पकौड़े बोल दिए, तो बस अब खाएंगे। ये हमारे शेर को देखो, खुल गया ना, इतने मोटे कुत्ते आ रहे हैं इसको खाने के लिए। और ये देखो ड्रामेबाज, ये आ गए हमारे पकौड़े। प्याज वाले नहीं लिए हमने, पनीर वाला लिया है, मिक्स वाला लिया है और आलू वाला। और ये चटनी जो मैं बता रही थी ना, ये ही जबरदस्त होती है यहाँ, यही फेमस है। मेन पकोड़े देखो मैंने वो भी खाए थे जब मैं नारनौल गई थी मेरे ससुराल वाले। अलग ही चटनी फ्लेवर होता है। और यहाँ पे वो वाली चाय लेते हैं हम, कुल्लड़ वाली, एक नंबर लगती है, टेस्टी है। तो अमित जी डिफरेंस बताइए वहाँ वाले पकोड़े में और यहाँ वाले में, है? है? नारनौल के खाए थे ना, चांद और सूरज में फर्क होता ना, उतना फर्क है।
तो ये हमारी कुल्लड़ वाली चाय। हाय हाय चीयर्स। पकोड़े खा के निकल गए थे, लियू सो चुका है और अभी हम पहुंच गए सापला टेल टैक्स। क्या होता है? टोल टैक्स पे आदमी जब ऐसे हार जाता ना तो एक दो दिन थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहता ही है। ऐसा कुछ नहीं है, अगला चैलेंज पक्का। मैं मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं हार कैसे गई, सही बताऊं, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। तीसरा तुमने किया ही नहीं, तीसरे में और हारते नहीं तो। मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं ही जीतूंगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैलेंज ना मैं जीतूंगी और उसमें अनलिमिटेड शॉपिंग रहेगी। फिर देखना तुम्हारे क्या हाल होने वाले। और इनकी सासू माँ का चार बार कॉल आ लिया तो मेरे को कह रहे हैं कि सीधा उड़ा दूंगा गाड़ी। मैंने कहा आराम से चलो घर ही जाना। कह रहे सासू माँ के चार कॉल आ लिया, ऐसे कैसे? हम वे खपिटर बंदे जिन्हें लोग लफंडर गया करे। तो जी हम अभी पहुंच गए, खेतों के रास्ते से जाते हैं तो आज अम्मी जी खुद मतलब ड्राइव करके, ड्राइव तो करते ही है मतलब बिना रास्ता बताए खेतों का खुद से ही जाएंगे। देखते हैं ये मतलब रास्ता मतलब डायरेक्टली घर पहुंचा देंगे या फिर बीच में कंफ्यूज होंगे। आपके लिए ये चैलेंज आज, ठीक है, कि डायरेक्टली आप अपने ससुराल जा पाओगे या नहीं। कि मैं नाम नहीं रख ले, हाँ ही नाम है जो आप बोलो। यार मैं हार नहीं रही, नाम पे जा मेरे को इच्छा का। और ये सीधा मोहित की गोदी में जाके बैठा है। हाय रे अल्लाह की बच्चा। हां ठीक है, डरना नहीं है। मम्मा पिस्तौल दे गया था, बताओ ना आप कंफ्यूज होएंगे। बस थोड़ा सा रास्ता रह गया मुझे बता भी, ये कंफ्यूज होएंगे ही होएंगे 100%। अब आप हमेशा उसी रोड पे कंफ्यूज होते हो, पर आज पहली बार बिना बताए। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि मोहित बताता है या मैं तो कमी बताती हूँ, बट मैं भी बता देती हूँ, मुझे भी रास्ता याद है मेरा। ठीक बकवास ना करें। अब देखते हैं ये सीधा लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। मुझे तो उम्मीद है ये कंफ्यूज होंगे। लेट्स सी। ये इतने सारे इतने शाने हैं, पता है कैसे दिखा इसको? पहले यहाँ पे ये जो है किक्कर अड़ी रहती थी, दिखता नहीं था। अभी ये यहाँ से सारा क्लियर हो गया, इन्होंने देख लिया। ठीक है, ये बहुत शाने हैं। चीटर ये बहुत बड़े चीटर यार। यार। मेरी सिक्स सेंस है ना, तो उस चीज को देखो, किसी चीज को देखो, आपको उस चीज से क्या मतलब है? सामने ही है। लो जी पहुंच गए हम घर पे और हमारे बाबू जी सामने ही है, तो मिल लेते हैं पापा ते। ओए मेरा पर्स गिर जाता। ये हमारे पापा जी। अच्छा हल्के में ले पा है ये पापा। ले लियो ये अमित जी, नीचे पैरा पाथ लगना चाहिए पूरा। अच्छा अरे पापा तो मिलने दे नहीं कि ये बेचारा किस क्रिया कर रहा है। पापा लाड करने की कर रहे है तब से। देख रहे वो, चलो अंदर ही चलो। मम्मी ना दिखी इसने। नमस्ते मम्मी। माच गया पूरा माच गया भाई। चलो अंदर चलते हैं। मम्मी क्या आए 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 देख 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 ली मम्मी का प्यार। चलेंगे अंदर। मुंडा पहला है कती। ये आ गया तेरा बट्टे ऊ। छोड़ दे। ये आशीर्वाद टाइम। आशीर्वाद दे दो। जुग जुग जियो पुतो फलो है। बोला मम्मी पीड़िया ना आया मारा। हाँ पीड़िया किता देखो लियो ना मेरे पास नहीं आ रहा, मम्मी के पास जा रहा है। खुशी देखो। ये कॉफी आ चुकी है, ये मोहित की, ये मेरी अमित जी की। और भाई भी आ गया था, बड़ा भाई भी। ये भी बाहर उसमें रहे है, घुमाइया पर रहे है। मोहित और पापा बाहर है। पापा तुम्हारे बाल का रेत में रखेगा है? ये लो भाई सारी फैमिली इकट्ठी हो ली। मम्मी सोफे का रखा है।
मोहित के तोड़े का बता दिया थोड़ा यार देख जमा था आज पलट मुंह ब्राउनिंग सटाई चल ले ठुक रहा है कुछ तेज है हिंदी उड़ा बालू की वजह उस कली में पहले भी जाती है अंडर लगा रखता चुपटे गया था भाग है कदे मन्ने मोटर लगा रखा है बट क्या ला जीस के मुंड में चटका मारा जब चटका मां पकड़ मंदिर में जो अकलान जा रहा तू भी बोल ले कम है चलो यहाँ बात हो रही है भाभी और भाई की। जब इनकी शादी हुई थी तो इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था कि इनको क्या बात हुई थी उस टाइम पे, तो स्वामी दी बताएगी। और भाभी शर्मा के छिप रही है भाई के पीछे, इधर फेस दिखाओ। जब इनकी स्टार्टिंग में मिलने गए थे, देखने गए थे, तो भाभी और भाई को एक कमरे में बंद कर दिया था। चलो जी कंटिन्यू। तो क्या हुआ, ये देख ही ना रहे दूसरे की तरफ, सोनू भी शाये है, वहां भी शाये। तो हम बोले बात कर लो, मैं बोली बात कर लो, मम्मी ने बोली हाँ काम का माहौल है, बिरानी बंद करने देंगे नहीं करने देंगे। मैं कहा हाँ बात ही तो करनी, आजकल तो सब करे।